खबर चमोली से, स्वायत्त सहकारिता उत्तराखंड सरकार के अधीन हुआ महासंघ का गठन। उत्तराखंड चमोली जिले के फिडर घाटी के लगभग 10 एडवेंचर और खूबसूरत डेस्टिनेशन स्थलों पर वर्ष भर देश विदेश के पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता। ऐसे में उनको यहां के लोकल ट्रैक्टर, गाइड, घोड़े आदि की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार के स्वायत्त सहकारिता विभाग के अधीन पंजीकृत किया। शुक्रवार को रूपकुंड, होम कुंड, वेदनी कुंड, आली बुग्याल, मोनाल टाप, ब्रह्मताल सहित सभी डेस्टिनेशन स्थलों के बेस कैंप लोहागंज में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय लोगों ने हिमालयन इको पर्यटन स्वायत्त सहकारिता महासंघ का गठन किया, जिसका विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। महासंघ में 11 पदाधिकारियों का चुनाव किया। ट्रैकिंग से जुड़े लोगों, व्यापार संघ द्वारा इनका चुनाव किया गया। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि संघ को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रैकिंग में मनमानी चल रही थी, जो कि लोकल युवा बेरोजगार ट्रैकिंग से जुड़े लोग हैं। उनका कहना था कि हमें इतना काम करने के बावजूद भी मुनाफा नहीं हो रहा, संघ बनाने से लोकल ट्रैकिंग से जुड़े युवाओं को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। कहा, बाहरी पर्यटकों के साथ मनमानी ना हो और पर्यटकों को सही सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए संगठन को बनाया गया। बताते चलें, सरकार भी इस क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों की अधिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से कई बेरोजगार युवक युवतियों के लिए होमस्टे जैसी योजनाओं के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इस योजना से यहां के कई लोग अच्छा लाभ भी उठा रहे हैं। संगठन लोहाजिंग अध्यक्ष श्री प्रद्युमन सिंह पुजारी, लोहाजिंग में व्यापार संगठन अध्यक्ष हूँ मैं। सबसे पहले इस इको टूरिज्म जो इन्होंने एक इसका विधिवत आज उद्घाटन किया है, इस कमेटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये टूरिज्म जो कमेटी है ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। कुछ कारणवश जैसे कि बीच में कोरोना आ गया और ये ठीक से नहीं हो पाया है, तो आज विधिवत इसका शुभारंभ हुआ है। इस इको टूरिज्म के अध्यक्ष श्री भुवन सिंह बिस जी, इसके कोषाध्यक्ष श्री राणा जी और इसके जो सचिव हैं श्री, इन्होंने इसको विधिवत शुभारंभ किया है। और मैं पूरे इको टूरिज्म के जितने भी गाइड, असिस्टेंट गाइड टीमें हैं, इनसे उम्मीद करता हूं कि ये हमारे जो भेकलताल, ब्रह्मताल और जितने भी ये नौ इन्होंने बुग्यालों के इसमें विधिवत शुभारंभ किया है, इन बुग्यालों को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे और इनका कूड़ा निस्तारण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। शर्मा, टूरिज्म डिपार्टमेंट हेरिटेज टूर गाइड की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे मुंडोली में, और हमारी संस्था जो है समर्पित मीडिया सोसाइटी, ये वर्किंग पार्टनर्स हैं उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है मुंडोली से क्षेत्र पे और उसके आसपास के एरिए में, जो ये एक बहुत अच्छा ट्रैक एरिया है, और उसी समय ये यूनियन बनी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ट्रेनिंग जो रजिस्टर्ड जो आपके गाइड्स हैं जो यहाँ पे आने वाले टाइम पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अपने जो टूरिस्ट आएंगे उनको लेके जाएंगे, और एक गवर्नमेंट उनको रजिस्टर्ड गाइड की तरह उनको अपने साइट में, वेबसाइट पे रजिस्टर कर रही है। और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे जितने भी ये गाइड्स रहेंगे, ये अपनी टीम बनाएंगे, अपने गाँव को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और जो ये यूनियन बनी है, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो एक क्षेत्र है पूरा गाइड लाइन का और ट्रैक जो आप कराते हैं, उसमें एक यूनिफॉर्म वे पैदा होगा, और उसमें जो बाहर से जो टूरिस्ट आएंगे उनको एक सिक्योरनेस होगी कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो वैरी नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर रेट जो है वो एक जैसा रहता है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बधाई हो आपके क्षेत्र के लोगों को, और मैं पूरी सरकार हमारे साथ है, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने पूनम चांद मैडम करके जो एडिशनल डायरेक्टर हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, वो बहुत अच्छी तरीके से इस इलाके को देख रही हैं। और उनका ये एक, मेरी परसों जब बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छा क्षेत्र है क्योंकि ये कुमाऊँ और गढ़वाल के बीच का एक ऐसा एरिया है कि दोनों तरफ से लोग आ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएगा, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नमस्कार, मैं कलम सिंह बिस्ट, माउंटेनियर, साइकिलिस्ट, अल्ट्रा रनर। मैं बड़ा खुश हूँ इस पहल से जो कि इस समिति के द्वारा किया जा रहा है, और पर्यटन को इससे बढ़ावा भी मिलेगा, और साथ ही जो है कि यहाँ की जो रोजगार की जो समस्या हमारी है उसको एक अच्छा बल मिलेगा। और जो आसपास के जो हमारी बिजनेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं,
उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। इसमें मेरा समिति से एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग जो है कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन और एडवेंचर को ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र की जो है एक अच्छी इनकम की सुविधाएं हमको मिल पाएंगी। यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि करीबन 10 ट्रैक हमारे पास यहाँ पर हैं, तो 10 ट्रैक का एक बेस कैंप यहाँ पर बनता है। इस बेस कैंप से जो है कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर हो सकता है। जैसे पहले भी बताया गया कि यहाँ पर जो है गढ़वाल और कुमाऊँ का जो है सेंटर पड़ता है, तो गढ़वाल और कुमाऊँ के दोनों अच्छी खासी इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। 28 तक मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी कर्णप्रयाग में, तो हमारा बहुत अप्रोचेबल हो जाएगा ये प्लेस और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आना चाहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस समिति का जो इन्होंने बहुत बड़ी पहल की हुई है। धन्यवाद। सिंह बेस्ट जो अपने यहाँ पर हिमालयन इको पर्यटन स्वयं सहकारिता जो एक हमारा पर्यटन महासंघ बना हुआ है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा जो ये महासंघ बना हुआ है कि अपने क्षेत्र के मतलब 10-12 जो ट्रैक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ पर जो है अपने जो ट्रैकर लोग आते हैं उनकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए, साथ में जो यहाँ पर विसंगतियाँ हैं कि जैसे मतलब हमारे जो है ट्रैक में जो पैकेज है या हमारे घोड़े के दर हैं या हमारे पोर्टर के दर हैं या हमारे गाइड्स के दर हैं या हमारे होटलों की दर हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है जो विसंगतियाँ हैं इनको विसंगति को दूर करने के लिए हमारे जितने भी यहाँ पर लोकल जो ट्रैक से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने जो है हम सब ने मिल करके यहाँ पर एक ट्रैकिंग महासंघ बनाया है जिसका नाम जो है हमने जो है हिमालयन इको स्वायत्त सहकारिता के नाम से दिया है, जिसको सहकारिता विभाग में जो है पंजीकृत किया गया है और इसका जो है पंजीकरण 219 से है और ये प्रॉपर लीगल है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कोई फ्रॉड काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। और इसके माध्यम से जो हम लोग यहाँ पर अपने आसपास के जो ट्रैकिंग प्लेस हैं इसमें जो है इको के तहत जो है पूरा जो है व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि हमारे क्षेत्र में जो है आने वाले समय में अधिक से अधिक जो है यहाँ पर पर्यटक पर्यटन बढ़े और पर्यटक से जो है बच्चे जो है हमारा रोजगार पाए, ऐसा हमारे ये इस यूनियन के या इस महासंघ के माध्यम से जो है ऐसा कहना है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।